द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया है, ऐसा साफ देखने को मिल रहा है। ये वो कर्नाटक है जहां पर बीजेपी ने चुनाव हारने के बावजूद पिछला सत्ता में वापस आने का काम किया था। कांग्रेस और जेडीएस के विधायक जो थे वो बंबई उड़ के चले गए थे। बीजेपी ने, उन लोगों का कहना है कांग्रेस के और जेडीएस के नेताओं का, कि बीजेपी ने प्रेशर बनाया उन पर और उनको अपने पाले में लाके सरकार बनी बनाई गिरा दी कांग्रेस की, जेडीएस की, और खुद सत्ता में आ गए। लेकिन अब हालत यह है कि इस्तीफे हो रहे हैं, जनता नाराज दिख रही है साफ तौर के ऊपर। कर्नाटक की जो चुनावी भूमि है, रणभूमि है, उसमें बीजेपी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। लोक पोल करके एक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल देने वाला एक ट्विटर हैंडल है, जो हर चुनाव के पहले हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस को जीत दी थी, जीतता हुआ दिखाया था, परिणाम साफ आए भी। तो वही लोक पोल ने एक सर्वे किया कर्नाटक मेगा सर्वे के नाम से, और लिखा है कि हमारे एक्सटेंडेड सर्वे जो मार्च के आखिरी तक चले, उसके हम अपडेटेड नंबर आपको दे रहे हैं कर्नाटक इलेक्शंस 2023 के। इन्होंने सीधे तौर के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभरता हुआ दिखाया है, 128 से 131 सीट वाला, के 130 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं इनके ताज़ा सर्वे में, और बीजेपी 65 से 70 सीटों के बीच में सिमटती हुई दिख रही है। मतलब जोड़ तोड़ की राजनीति की संभावनाएं भी बीजेपी के लिए इस पोल के हिसाब से खत्म होती दिख रही हैं। ये झटके जो है ये सिर्फ पोल में नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये धरातल पर भी दिख रहा है। जेडीएस को वही 21 से 25 सीटों का दिखा रहा है गेनर, लेकिन ये सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं, कांग्रेस की सीटें परफेक्ट मेजोरिटी की तरफ जाती हुई इस लोक पोल में दिखाई दे रही है। कि इनका कहना यह है लोक पोल का, कि जो उनका कर्नाटक मेगा सर्वे है उसमें कांग्रेस बीजेपी से दुगनी सीटें लाती हुई दिख रही है, और ऐसी स्थिति इसलिए भी साफ हो गई है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में इस्तीफे हो रहे हैं, जिस तरह से इस्तीफों की एक झड़ी लगी हुई है, वो भी कास्ट इक्वेशन बीजेपी का बिगाड़ चुकी है। लिंगायत कम्युनिटी के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, और लिंगायत वोकलिग्गा कम्युनिटीज को जो जानते हैं कर्नाटक की राजनीति को, वो समझते होंगे कि ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है। अब यहां पर ये कहा जा रहा है लोक पोल में कि बीजेपी को कांग्रेस से आधी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को दुगनी सीटें मिलेंगी, 130 के आसपास सीटें कांग्रेस की आएंगी और 70 से कम सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। धरातल पर ये इसलिए भी संभावना इसकी बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि एक तो बीजेपी के नेताओं पर कमीशन के आरोप लगाए हैं ठेकेदारों ने, जनता के बीच में उनकी छवि बहुत धूमिल हो चुकी है, लोग नाराज हैं, और उसके साथ जो उनकी इन फाइट है वो जमीन पर बहुत ज्यादा देखने को मिल भी रही है। कर्नाटक में इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस पार्टी का दामन थाम के टिकट भी ले लिया है, वो चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। जो बीजेपी के लिए लक्ष्मण सावड़ी जी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, और अब सबसे बड़ा झटका यह है कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है और कांग्रेस कार्यालय में जाके सदस्यता ली है, और वो भी लगभग चुनावी मैदान में है। आदेश रावल ने इस पर लिखा था, 6 बार के विधायक, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि मामूली चीज नहीं है। जगदीश शेट्टार एक तो लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं, जो लोग राजनीति को समझते हैं कर्नाटक की, लिंगायत कम्युनिटी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, और ये सबसे मजबूत लिंगायत जो फ्रैक्शंस हैं उनमें से आते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने लिखा, अ न्यू चैप्टर, अ न्यू हिस्ट्री, अ न्यू बिगनिंग। फॉर्मर बीजेपी सीएम, फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट, फॉर्मर लीडर ऑपोजिशन, 6 टाइम्स एमएलए, श्री जगदीश शेट्टर जॉइंस द कांग्रेस फैमिली टुडे, कर्नाटक कांग्रेस वेलकम्स हिम, चेंज इज हियर, कांग्रेस इज हियर। मतलब ये इतना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, और इससे पहले लक्ष्मण सावड़ी का झटका लगा था, और भी कई नेता हैं जो इस्तीफे दे चुके हैं, लगभग 40 नेता ऐसे बताए जा रहे हैं जो चुनाव आते आते इस्तीफा दे देंगे। यहां तक कि बीजेपी को अब समझ में आ रहा है, येदुरप्पा जी बार बार कह रहे हैं कि ये बेकार के कम्युनल पोलराइजेशन के काम किए थे, सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण का काम किया वो नुकसान दे गया। कभी आजान पे विवाद खड़ा किया बीजेपी के नेताओं ने, कभी मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स पे विवाद खड़ा किया, कभी हिजाब पे विवाद खड़ा किया, मुस्लिम बच्चियों को एग्जाम तक नहीं देने दिए हिजाब के चलते, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी पे बैकफायर कर गई। क्योंकि बोलता हिंदुस्तान ने येदुरप्पा जी का बयान छापा है, लिखा है, हिजाब और हलाल जैसे मुद्दे जरूरी नहीं थे, मेरे हिसाब से हिंदू और मुसलमान को भाई बहन की तरह रहना चाहिए, ये कहना है येदुरप्पा का।
येदुरप्पा जी वैसे इतने सांप्रदायिक नहीं कहलाते हैं जितनी बीजेपी है या बीजेपी के विचारधारा के लोग हैं, पर ये मजबूर हो गई है बीजेपी अब कहने पे। राहुल गांधी जी के दौरे हो रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दौरे हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि टिकट वितरण से पहले बीजेपी में मोदी जी और अमित शाह जी के खूब दौरे हो रहे थे कर्नाटक में, पर अब इन्होंने दूरी क्यों बनाई हुई है ताकि हार का जो जिम्मेदारी है वो इनके सर पे ना आए, जो भी विषय है, या इतनी बगावतें हैं कि ये अंदर आने का मन नहीं बना पा रहे हैं। अब हालत यह है कि राहुल गांधी जी ने जाके ही घोषणा कर दी है, ट्वीट भी किया है, प्रधानमंत्री ने दिल भरकर हजारों करोड़ अडानी को दिया, हम दिल भरकर कर्नाटक में हर महीने देंगे। ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपये, महिलाओं को 2,000 रुपये, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब परिवारों को 10 किलो चावल, कांग्रेस की कर्नाटक को 4 गारंटी, भाजपा की बस 1 गारंटी, 40% कमीशन। 40% कमीशन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन पर बहुत आरोप लगे और उनके पोस्टर भी लग गए थे, तो वो इसी से जोड़ा गया। शकील अख्तर साहब हैं, बड़े पत्रकार हैं, बड़े सहाफी हैं, उन्होंने देश के NBT से जाने जाते थे। उन्होंने लिखा, राहुल ने कर्नाटक में दूसरे दिन फिर नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने दलित और आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए जितनी उनकी आबादी है। राहुल 50% कैप हटाने की मांग कल ही कर चुके हैं। यहां तक के बीजेपी के झटके इस सब के बाद ऐसे पड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पत्रिका ने लिखा, कर्नाटक चुनाव कांग्रेस के हाथों में आए भाजपा के तुरुप केक के, 8 बड़े नेताओं ने छोड़ा भगवा का साथ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कास्ट इक्वेशन बीजेपी का बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, और वो ऐसा बिगड़ा है कि बीजेपी अब कितनी कोशिश करे मुझे लगता है कि इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दिग्गज नेता, मतलब आप सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के चले गए, कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, 6 बार के विधायक जगदीश शेट्टर जैसा कद का नेता अगर बीजेपी को छोड़ के जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या हो गई। तो लोक पोल का वो सर्वे जिसमें उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को 130 के आस से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी जो है वो 65-70 सीटों में सिमट जाएगी, ये बहुत स्वाभाविक दिखता है जब धरातल पर आप देखें। आने वाले समय में लोग कह रहे हैं कर्नाटक जो है वो गेम चेंजर साबित होगा और बीजेपी के लिए मुसीबत कर्नाटक बना हुआ है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, लाइव टीवी के जो आपके साथी हों उन तक भी पहुंचाइए और उनको भी सब्सक्राइब कराइए, और आप भी कीजिए, जितने आपके साथी से जुड़ेंगे उतनी रीच बढ़ेगी, क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा गिरा दी गई है, तो आपकी जिम्मेदारी है व्हाट्सएप पे इसको आगे लेके जाएं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।